नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुश हो, दे सदा सुखी रखे। आपको क्या लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए एक इंसान को क्या होना चाहिए, काबिल होना चाहिए? पर शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत करता है पर उसके बावजूद भी उसे कभी सफलता मिलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कनेक्शन आपकी कुंडली से है? आज हम यही जानेंगे, गुरुदेव से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पर हमेशा की तरह शो की शुरुआत से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, उसके लिए गुरुदेव के संस्थान में जाइए और निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव, विषय से शुरुआत करते हैं। आज का विषय कई लोग इससे खुद को जोड़कर देख पाएंगे, क्योंकि लगता है कभी कभी कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, काबिल भी हैं, पर हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तो ऐसा क्यों कर रहा है परमात्मा हमारे साथ? तो जानना चाहूंगी कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो काबिल होने के बावजूद भी व्यक्ति को कभी सफल नहीं होने देते। पहली बात तो मैं तुझे एक बार बता देता हूँ, ये जो क्यों शब्द है ना, ये क्यों शब्द सिर्फ इस धरती के लिए है कि कोई सवाल जवाब हो, कोई कार्य हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्यों लगाओ तो उसका जवाब है। लेकिन अगर हम किस्मत की बात करें, परमात्मा की बात करें और उसने जो हमें देना है या नहीं देना, उसके क्यों का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको जवाब देने कोई नहीं आएगा कि ऐसा क्यों। जवाब सिर्फ एक ही होगा और वो होगा कि जन्म कुंडली के अंदर ये फलाना योग बना हुआ है और इसके कारण ये काम खराब है, लेकिन ये क्यों बना है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। वो तो जब आप पैदा हुए तो वो एक छाप है, जैसे सरकार का असूल जो बन गया सो बन गया और जो अप्लाई उसने कर दिया सो कर दिया, उसके पीछे क्यों कौन सुनता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कॉमन थॉट से सोच के देखे जाए तो वो दूसरों को दुख भी दे जाते हैं, समझिए, लेकिन उस क्यों को नहीं सुना जा सकता क्योंकि वो सरकार ने पारित कर दिया। इसी तरह से ऊपर वाली सरकार है जो सारी सरकारों को भी चलाती है, वो जो कानून लिख के दे देता है उसके आगे क्यों बनता ही नहीं, ठीक है। अब ये योग है, आपने कहा कि काबिल होने के बावजूद भी जो लोग कामयाब नहीं होते, शनि और बृहस्पति क्या करें इसका? अकेले बृहस्पति 11वें स्थान पर बैठे हो तो प्रेडिक्शन ये आती है कि जब तक पिता और भाई साथ में या पिता तुल्य भाई साथ में, तब तक इंसान राजा, और अगर इनका साथ छोड़ा तो एक मच्छर को से भी मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं बचेगी जिंदगी। कहने का मतलब बुद्धि अपने आप को वो ज्ञान ही नहीं देती। और ये महायोग जो खराब बन जाता है वो कैसे? अगर शनि देव खराब अवस्था के अंदर धन भाव में हो और उनकी पूर्ण दृष्टि 11वें घर के अंदर बैठे हुए बृहस्पति पे हो तो ऐसा इंसान को कहा जाता है मुद्दादिन, यानी कि ऐसा इंसान बहुत जल्दी डरने वाला भी होता है, बहुत जल्दी आवेश में आने वाला भी होता है। ऐसे इंसान को जिंदगी में कितना भी लिखाया पढ़ाया जाए, कुछ भी सुनाया जाए, वो इंसान किसी काम को कभी पूरा नहीं कर पाता। ऐसा इंसान अगर अभी रोके हटा है, उसकी पसंद का उसे माहौल मिलते ही वो खिलखिला करके हंसता पिए, और ऐसे इंसान को समझदारी कितनी भी सिखा लो, वो जब अपना व्यवहार करेगा तो ऐसे लगेगा इससे समझदार इंसान ही कोई नहीं। जब वो रोक डाल के कोई काम करवाने लगेगा वो लगेगा कि मास्टर ही है, लेकिन अल्टीमेटली उसके रिजल्ट जीरो, यानी कि वो कामों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता। और यही वो लोग होते हैं जो रोज काम की तैयारी करते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पाते, ये योगी ऐसा खराब है। और जबकि इनके साथ बात की जाए तो इनसे अच्छा ज्ञानी कोई नहीं। कर्म की बात की जाए इनको सारी दुनिया की नॉलेज है। इनके साथ मैनेजमेंट की बात की जाए तो इनसे अच्छा एडवाइस कोई नहीं देता। और किसी भी तरह के टेक्निकल काम करने हो तो इनको पहले से पता होता है।
ये सारे गुण इनके अंदर होने के बावजूद ये कभी काम नहीं कर पाते। एक तो ये योग बड़ा खराब है। एक और योग का मैं जिक्र करूंगा, पता नहीं इसका सवाल कब पूछा जाएगा, लेकिन ये योग बड़ा खराब होने के कारण ये बताना बहुत जरूरी है। अगर जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर मंगल हो और बुध बारहवें घर के अंदर हो, ये इतना बुरा योग है, कहते हैं बुद्धि ही खराब होगी। और बुद्धि खराब होने का मतलब ये कि ऐसा इंसान रोज चाहे मेहनत करे, चाहे अपने किसी भी तरह से सिखाने पढ़ाने का काम करे, कुछ भी करवाने का, ऐसे इंसान के पास से होने ही उल्टे काम होते हैं, यानी कि वो जो काम करता है उसमें कमी निकल आती और कभी सही तरीके से नहीं चल पाता। और ऐसा इंसान जिसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है उसके दुखों का ये कारण ही बनता है, क्योंकि इसके पास से कुदरती तौर पे होने ही गलत काम होते हैं। तो जो हमने पहला योग कहा कि इंसान लगता समझदार है, हर तरह से काबिल भी होता है, लेकिन कामयाब नहीं होता, अगर ये योग किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर हो बेटा, उसको ये उपाय करना चाहिए कि 43 दिन लगातार 12 साबुत बादाम लेके उनको हल्दी से पीले करके पहले वो गरीबों को बांटते, यानी कि रोज के ये 12 साबुत बादाम, और लेकिन ये किसी पॉलिथीन वगैरह में डाल के नहीं, कागज के लिफाफे में डाल के लेके जाए तो ज्यादा अच्छा, और अपने हाथ से ही हल्दी लगाए तभी ये काम करेगा। और उसके बाद उसे लगातार सालों साल हर हफ्ते शनिवार को यही 12 साबुत बादाम को हल्दी से पीले करके इनको दान देते रहना पड़ेगा। आप समझ लो कि ये जीने का टैक्स है, तभी अच्छे काम तुम्हारे पास से हो पाएंगे जिनकी कुंडली में ये योग है। ठीक है, दूसरा योग जो मैंने बात करी कि मंगल चौथे घर में बुध बारहवें स्थान पर, यह बहुत ही बुरा योग है और ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहने देता, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कमाई हो, अपना स्वभाव हो, दुनियादारी हो, सबके अंदर बिगाड़ के रखता है। अगर इस तरह का योग जिसकी कुंडली के अंदर हो बेटा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों बराबर के दुखी होते हैं, या ये लगा लो कि दूसरों के दुखों का कारण भी होते हैं, तो इसका इलाज बेहद ज्यादा जरूरी है। मर्द हो औरत हो बेटा, उसको बीच में से अपना नाक छिदवाना चाहिए 96 दिन के लिए, गले के अंदर पीले रंग का धागा धारण करना और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा धारण करना हमेशा के लिए बहुत जरूरी है, और 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह करना, और उसके बाद में 43 हफ्ते यानी कि 43 बुधवार खाली मटके को ढक्कन लगा के जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है, और हर मंगलवार को 400 ग्राम चावल दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करना। जब तक ये उपाय नहीं होंगे ये बुरा नसीब नहीं जाएगा दूर, और चाहे कितने भी जगह से क्यों पूछते फिरो, कितने भी मंदिरों पे जाकर के परमात्मा के सामने खड़े होके क्यों क्यों पूछ के हाथ दो, कहीं से जवाब नहीं आने वाला बेटा, क्योंकि परमात्मा जो लिख देता है ना उसका जवाब देने स्वयं धरती पर नहीं आता। तो इसलिए ये उपाय तो बचा लेंगे, लेकिन ये क्यों ढूंढने पे कहीं से कोई इलाज नहीं मिलने वाला। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, आज बात हो रही है उन लोगों की जो कि काबिल होने के भी बावजूद कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े मेहनती होते हैं, बड़ी पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे कॉलेज से भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी लगने वाली होती है, सब अच्छा चल रहा होता है, पर एकदम से डिप्रेशन उन्हें हो जाता है, तो उसका कुंडली से क्या संबंध होता है? एक योग आता है लाल किताब के अंदर जो शनि चंद्र का योग है, पराक्रम स्थान का। इसके अंदर एक कहावत लिखी गई है कि घर के अंदर संदूकची तो होगी लेकिन धन से खाली होगी। इसमें यह भी चीज पाई जाती है कि ऐसे इंसान के पुरखों के समय का कोई गल्ला या संदूक चला आता है जिसके अंदर की वो पहले पैसे और अच्छी चीजें रखा करते थे, और अब उसके अंदर कबाड़ वगैरह रख के पता नहीं कहां पे फेंका हुआ है, जिसको कभी कभार ही देखने को मिलता है। ये शनि और चंद्र का मेल हो और बुध खराब अवस्था के अंदर बैठा हो, ऐसे में इंसान लिखाई पढ़ाई करता है या कुछ भी सीखता है, काबिल बनता है, काबिल बनके जब उसके काम करने का टाइम आता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, जिसके चलते हुए कईयों की पढ़ाई पहले पूरी हो जाती है और कईयों की नहीं भी हो पाती, उसी बीच में ये डिप्रेशन के हालात खड़े हो जाते हैं क्योंकि बुध खराब है। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा तरह तरह के इलाज करने के बावजूद भी, और बच्चा लगता बिल्कुल नॉर्मल है कि जब वो बात करेगा तो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन क्यों वो एग्रेसिव हो गया, क्यों उसको बाहर किसी के साथ भी घुलने मिलने में दिक्कत आने लग गई, क्यों वो दूसरों को फेस नहीं कर पाता और क्यों उनसे डर लगता है, उसको पता ही नहीं चलता। और ऐसा बच्चा फिर घर से नहीं निकलता, और घर से निकल के जाना भी है तो उसे किसी न किसी अपने का सहारा चाहिए होता है, ये इस तरह के खराबी से हालात देता है। एक और बात, ऐसे बच्चे की
माँ को भी जिंदगी में तकलीफें बहुत भोगने को मिलती है या उनके साथ कुछ बुरा होता है, और घर के अंदर जैसे ही सीलन आती है वैसे ही मामले खराब हो जाते हैं, ठीक है। और खास तौर पर घर के दक्षिण की तरफ की जो दीवार होती है या जगह होती है वहां पर अगर सीलन के हालात बढ़ जाए तो ये चंद्र शनि वास्तु में बुरा फल दे ही देते हैं। समझिए, ऐसी अवस्था पे हमें बुध को शनि के दुश्मन ग्रह के साथ मिलाकर के उसकी सही जगह पे पहुंचाया जाए तो बेटा ये सुख दे देता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, 43 दिन लगातार लाल फिटकरी लेकर के घास वाली जमीन के अंदर अगर दबा दी जाए तो बेटा बुध अपने काबू में आ जाता है और वो अच्छा फल देने लगता है। और इसके बाद दूसरा उपाय भी करना बहुत जरूरी है, वो क्या कि अगर बुजुर्गों के समय से चला आ रहा किसी भी तरह का संदूक या संदूकची या गल्ला वगैरह हो घर पे रखा हो तो उसके अंदर अगर बेकार और कबाड़ की चीजें हैं तो उनको निकालो, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके पेंट रंग रोगन करके उसको वापस इस्तेमाल करना शुरू करो, और उसके अंदर पैसा खाने पीने की चीजें या रोजमर्रा के खर्च की चीजें बेटा ये उसके अंदर रखने शुरू करो, वो भी एक तरह का अपशगुन को टालेगा और ये अच्छा करेगा। ऐसे बच्चे के कमरे में खास तौर पर चांदी की थाली में गंगा जल भर के उसके कपड़ों वाली अलमारी के अंदर रखो, और हर चंद्र ग्रहण के ऊपर थोड़े से नारियल और थोड़े से साबुन बादाम लेकर के इस बच्चे के सर से 7 बार उतार के उनको जल प्रवाह करते रहो। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख करके डिप्रेशन में है बेटा ये उपाय करके देखो, जरूर इससे निजात मिलेगी और जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। गुरुदेव, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े ही काबिल होते हैं पर वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, जैसे नशे की भी आदत उन्हें हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर ये चंद्र और बुध का मेल बहुत ही बुरा माना जाता है। हम लोग जो नॉर्मल हैं जिनका चंद्र बुध का मेल नहीं है, इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये कुछ तो बोल रहे होते हैं और कुछ और ही सोच रहे होते हैं, यानी कि बोलना कुछ सोचना कुछ, और ये आपस में एक बात जो मुंह से निकल रही है और दूसरी जो मन में चल रही है इनका तालुका मिलाने में बहुत कामयाब होते हैं सब लोग लगभग। लेकिन चंद्र बुध की एक प्रॉब्लम होती है कि इनका दिल और दिमाग एक ही होता है, ये जो बोल रहे होते हैं बस वही सोच रहे होते हैं और जो सोच रहे होते हैं वही बोलते हैं, इसलिए इस योग को बुरा माना जाता है। और यही वो लोग होते हैं अगर इनको नशे की लत लग गई तो ये नशे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर पाते हैं। और यही लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव थॉट इनके दिमाग के अंदर आ गया तो ये उस बात को पकड़ के बस उसी को लगातार लंबे समय तक लेकर के जीते रहते हैं, ये बहुत ही गंदा योग है बेटा। इसीलिए इस योग को हटाना, बल्कि लाल किताब के अंदर तो यहां तक भी बुध और चंद्र के मेल को बताया गया है, कहते हैं नशेबाजों का सरताज, ये तक भी उसको बोला गया है, ठीक है। तो इस योग को अगर हटाना हो तो बेटा अगर इस तरह के हालात और बच्चा नशे में जा रहा हो और उसके काम खराब हो चुके हो और इलाज कराने के बाद समझाने के बावजूद भी वो काबू में ना आ रहा हो तो सबसे उत्तम है देसी घी का सूजी का हलवा बनवा करके एक ही दिन के अंदर 100 कन्याओं को बंटवा दो, समझे, और उसके बाद हर बुधवार को या हर सोमवार को देसी घी का हलवा बना करके ये मंदिर चला करके ये बच्चियों को बांटते चले जाए। इनको करके देखिए, ये चंद्र बुध का मेल कुछ ना कुछ अच्छेपन तो आपको जरूर देगा और ये नशे से छुटकारा जरूर दिलाएगा। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ नरेश पाल जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। जी नरेश जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल करना चाहते हैं उससे पहले जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। गुरु जी प्रणाम, मैं नरेश पाल सिंह, जन्म स्थान दिल्ली, जन्म तिथि 16 सितंबर 1980, जन्म समय 3:45 दोपहर। गुरु जी मेरा सवाल यह है कि मुझे इस उम्र में बीमारियों में घेर रखा है, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर योग ही ऐसा है, ये शुक्र और राहु का मेल कहते पत्नी के सुख, रुपया पैसा और अपना स्वास्थ्य तीनों का धुआं निकालता है, ये बहुत ही बुरा योग है। दूसरा एक और योग है, तुम्हारे अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति सूर्य शनि और बुध
ये इकट्ठे बैठे हुए ये भी बीमारियों के कारक बन जाते हैं, तो दो दो योग हो गए। और ऐसे में कामकाज की सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाती, रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी कमियों के योग बनते हैं। तो यही योग ही बहुत है तुम्हारे इस सवाल जो तुमने किया है इसके आंसर में बेटा, इसको ठीक कर दो सब अच्छा हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले एक चांदी के बर्तन के अंदर शहर भर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखो या घर के साउथ डेस्क साइड के अंदर तुम इसको रख सकते हो। 43 दिन लगातार दूध के अंदर मक्खन डाल के उसे मंदिर के अंदर देना और 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन के अंदर दबाना। फिर इसके बाद में किसी भी एक शनिवार को 8 किलो उड़े साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना। ये उपाय कर लो बेटा, इससे ये सारा बुरापन समाप्त हो जाएगा, पत्नी के सुख, कामकाज के लाभ, अपना स्वास्थ्य, तीनों में काफी उत्तमता मिलेगी। खुश रहो बेटा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फेसबुक कॉलर शगुन, जुड़ी हुई है भिवानी राजस्थान से। जी शगुन, शगुन की जन्म की तिथि है 22 अगस्त 1998, जन्म का समय है 3:40 PM, जन्म का स्थान है भिवानी राजस्थान। सवाल है सरकारी नौकरी कब लगेगी। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग मुझे नजर आ रहे हैं ये सरकारी नौकरी के लिए थोड़े कमजोर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है लेकिन काफी कमजोर है। उसका कारण क्या है, एक तुम मांगलिक हो, जो डेली इनकम के अंदर बैठा हुआ ये जो मंगल है तुम्हें अपनी जन्म कुंडली में 8वें घर में नजर आता होगा लेकिन ये 7वें में है, ये जो मंगल है ये सोया हुआ है जो शादीशुदा जिंदगी के लिए हल्का सेटल और डेली इनकम को अस्थिर करता है, एक तो इसे जगाना पड़ेगा। और दूसरा सरकारी नौकरी का कारक जो सूर्य है उसके साथ बैठे हुए राहु ये खराबी दे रहे हैं जो कि तुम्हारे बनते बनते कामों को बिगाड़ेंगे और पूरा कामयाब नहीं होने देंगे। और खास तौर पे अगर तुम्हें डस्ट एलर्जी रहती है या किसी की तरह का जुकाम साइनस रहता है तब भी ये खराबी कहला देंगे, और अगर ये टांगों की जो जांगों वाला हिस्सा है इसके अंदर अगर ये दर्द बनाता है तो तब भी ये खराबी कहला देता है। तो इसके लिए सबसे पहले उपाय करो, क्योंकि यहां तुम्हारी सरकारी नौकरी लगने की डेट अगर कही जाए तो वो लगातार चल रहा है लेकिन ये लगने नहीं देंगे, ये योग खराब है। तो सबसे पहले तुम्हें 60 ईंट की दीवार हर रोज सुबह बनानी और शाम को गिरानी है, ये 43 दिन लगातार करना है तुमने बेटा। नीचे 7-8 ईंटें रखे, ईंट के ऊपर ईंट रखे, सुबह बना दो और शाम को गिरा दो, एक ये। दूसरे उपाय के अंदर 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो और अपने वजन के बराबर ज्वार लेकर के उसको मंदिर के अंदर दे दो और अपनी मां को कहो कि 43 दिन लगातार नहीं, ये लगातार 1 साल तक करना है, हर रोज एक मुट्ठी चावल लेकर उनको दूध के साथ धोकर के कौओं को खिलाते रहे। इतने से उपाय कर बेटा, सरकारी नौकरी के योग भी तैयार हो जाएंगे, अच्छे हालात पर। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फेसबुक कॉलर वाराणसी से ब्रजेश तिवारी जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश, अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं ब्रजेश तिवारी जी, और डेट ऑफ बर्थ है उनके बेटे के 27 अगस्त 2018, जन्म का समय है 10:22 PM, स्थान है मरुई वाराणसी। सवाल जेनेटिक पूछ रहे हैं, बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। जन्म कुंडली किसी की भी हो उसके अंदर कुछ एक हालात तो बिल्कुल फिक्स होते हैं और बाकी सारे दोराहे होते हैं, और यही दोराहों के बारे में अगर पहले से मां बाप ख्याल कर ले तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे निकल के अपने जीवन को अस्थिरता की ओर नहीं लेके जा सकता, और सही रास्ते के बारे में पहले से चयन करने बेहद जरूरी है। जैसे अभी मंगल केतु का मेल इसके भाग्य स्थान में मेहनत के लिए बना बहुत अच्छा है, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद इसके पिता का अपने भाइयों के साथ में बहुत अच्छे हालात रहे, उसके लिए कमजोरी हो गई। इसीलिए इस योग का सबसे पहले इलाज करके चलना है, और वो क्या करना है, एक चांदी के बर्तन के अंदर शहर भर के घर की नींद में दबाना और घर में कुत्ता पालना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आ जाओ, सूर्य बुध का मेल बेहद बेहतरीन बैठा हुआ, कहता बच्चा लिखाई पढ़ाई भी करेगा,
बच्चे की लिखाई पढ़ाई के साथ में अच्छे हालात बनेंगे और आगे चल के ये इस तरह के हालात में बनेंगे कि अपने ही काम के अंदर कोई नई खोज करे और जिस दिन बहुत ही कामयाबी के योग देता है। लेकिन चंद्रमा ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर नहीं जाने दूंगा, अगर तो किसी भी तरह का प्रोफेशनल बना या किसी भी तरह की नौकरी पे रहा तो उत्तम हालात हो। तो इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर रहना कि या तो इसे प्रोफेशनल बनाना है या फिर इसको किसी नौकरी के लिए तैयार करना है। तीसरी बात, शनि अष्टम भाव का भी ये भी कहता है कि किसी न किसी तरह की खोजबीन की आदत पूरी तरह से रहेगी, छानबीन की आदत रहेगी, एक तरह का रिसर्च मोड में ही रहेगा ऐसा इंसान और कोई ना कोई नई चीज बनाकर के जीवन के अंदर तरक्की पाएगा। तो शनि भी पूरी तरह से सपोर्ट पे आते हैं। लेकिन शुक्र और बृहस्पति का मेल बीमारी के घर के अंदर बैठा हुआ, अगर इसको बीमारी देनी है तो पैदा होते ही देता है और उसके बाद तकलीफ को ज्यादा बढ़ाता है। और ये शुक्र अगर जब खराबी पे आ जाता है तो ये अपनी ही तरह की सोच देता है, बाकी कोई भी ग्रह कितने भी अच्छे हालात दे रहे हो उनको नहीं चलने देता। तो इसलिए खास ध्यान ये रखना है कि इस बच्चे के पढ़ने लिखने में अगर कोई शुरुआत में ही दिक्कत आए या किसी भी तरह से दूसरों से अलग इसकी बुद्धि लगे तो उपाय क्या करना है, उपाय करना है 27 दिन लगातार 6 पत्थर सफेद लेकर के उनके ऊपर सफेद चंदन लगा के जल प्रवाह करना, तब ये अच्छे पनपे आए। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी उपाय की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे के ऐसे ही रहना। फिर उसके बाद करना है हर साल इसके जन्मदिन के बाद 43 दिन लगातार थोड़ा सा दूध लेकर शनि मंदिर के अंदर देते रहो, बस इतना ही बहुत है। और शनि इतना अच्छा बैठा हुआ है, अगर इसका सही यूज किया बेटा और इस बच्चे को प्रोफेशनल लाइफ की तरफ या नौकरी के लिए तुमने तैयार किया तो तुम्हारा यही बच्चा तुम्हारा बहुत अच्छा नाम करने वाला होगा। लेकिन उसके लिए अभी से कुत्ता तुम्हें घर पे पालना पड़ेगा और चांदी के बर्तन में शायद अपने घर की नींद में दबाना पड़ेगा। सुखदेव। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि शराब की लत के कारण अपना बना बनाया सब कुछ बिगाड़ देते हैं, यानी अच्छी नौकरी होती है, अच्छा बिजनेस होता है, कारोबार होता है, पर बस शराब की लत ऐसी लगती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसके क्या योग होते हैं गुरुदेव? जब भी एक लाल किताब के अंदर योग आता है कि शनि बुध के दायरे में होगा, समझिए जिस तरह का बुध होगा शनि उसी तरह का फल देगा, ये जो योग बनता है एक जी। इसके अंदर इंसान शनि की चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, यानी कि शराब की तरफ, मांस की तरफ। लेकिन जो शनि होता है ये चोर भी होता है, ये आलसी भी होता है, ये झूठा भी होता है, ये बीमारी वाला भी होता है, शनि के कारण ये सारी चीजें बनती है। तो जब इस तरह के योग हो, यानी कि बुध के दायरे में शनि हो और शनि वही करेगा जो बुध करेगा, और ऐसे में इंसान को एक बार बुरी सोसाइटी की लत लग गई, यानी कि शराब मांस के अंदर या यशी के अंदर किसी तरह की उतरने लगा, तो उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है। तो शनि खराब हो चुका होने के कारण ये लोग चापलूसी के मोड में आ जाते हैं, यानी कि जब इनको अपनी जरूरत पूरी करनी है तो इनसे अच्छा कोई नहीं होगा, और जब इनकी जरूरत पूरी होगी ये नशे में हुए तब इनसे बड़ा नवाब कोई नहीं होता, फिर ये किसी को कुछ नहीं समझते। एक और चीज, शराब का काम है लोगों को उनकी याद रखने वाली चीजों को भुला देना, इसीलिए जो लोग नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी डेली ज्यादा शराब पीते हैं और इस तरह का खराब योग नहीं भी है, तब भी अगर वो शराब ज्यादा पीते हैं उनको आप देखिए कि वो अभी शाम को ये सोचते हुए सोते हैं कि सुबह उठ के ये चीज याद रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे, लेकिन उनके मन का आलस इतना होता है कि उसे लिखते नहीं और अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि याद रख लेंगे, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम को भूल जाते हैं, इसकी वजह से भी कामों के नुकसान होते हैं। और जो इस तरह की शराब की लत के होते हैं कि जो दिन में भी पी लेते हैं और रात को भी पीते हैं, बेटा इनको तो याद रखने का मतलब ही नहीं कि कोई किसी की चीज को ये कि ज्यादा देर तक याद रख पाए, इनकी कंसंट्रेशन सिर्फ वहीं पे जाती है। तो इसीलिए इस योग का इलाज करना बेहद जरूरी है, पर इस योग का इलाज तभी कारगर होगा अगर ऐसे इंसान के चंद्र और मंगल को भी मजबूत कर दिया जाए,
और चंद्र और मंगल को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले अगर ये उपाय करना है तो ऐसे इंसान को रोज सुबह थोड़े से दूध के अंदर शहद मिलाकर के पिलाना बेहद जरूरी है। इससे चंद्र मंगल उसके अंदर जाएंगे, उसको सात्विक सोच के लिए ये प्रेरित करेंगे, क्योंकि शनि को अच्छे करने के लिए हमें चंद्र और मंगल दोनों की सहायता चाहिए होती है। ये ना हो तो शनि अच्छा होना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद इसके उपाय शुरू करो, और वो उपाय क्या है कि 45 दिन लगातार ये आम के पेड़ के ऊपर आम लगने से पहले भूर आता है बेटा, वो भूर लेकर के और दूध के साथ वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए, समझे। अगर ये उपाय भी, क्योंकि ये मौसम पर आधारित है, अगर ये नहीं हो सकता दूसरा उपाय करिए, और वो क्या, 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के वो दान दो। उसके बाद में जो ग्रह जन्म कुंडली के 10वें घर में, मान लो अगर चंद्रमा बैठा है या सूर्य बैठा है जो कि शनि के दुश्मन ग्रह है, ठीक है, अगर इनमें से जो भी बैठा हुआ है, अगर चंद्रमा बैठा है तो वही अनार की कटोरी वाला उपाय, यानी कि स्टील की कटोरी के अंदर 84 टुकड़े अनार के छिलके के डालकर उनको दूध से भरकर रात को सराहने रखकर सोए और सुबह मंदिर में दे। और अगर वहां पर सूर्य बैठा हुआ है तो फिर 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करें, और ऐसे इंसान के सर को हमेशा ढक के रखना बहुत जरूरी है जिसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये उपाय करें, इन उपायों के होते ही इस इंसान के मन के अंदर स्मृतियां परमात्मा डालेगा, सदबुद्धि डालेगा, और इसके बाद वो धीरे धीरे करके वाकई में शराब छोड़ने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन जब तक ये उपाय नहीं होते, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग 15-15, 20-20 दिन, महीना महीना भी शराब छोड़ के देख लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी लत में डूब जाते हैं। लेकिन जब वो शराब छोड़ते हैं तब अगर ये उपाय साथ में करवा दिए जाए तो उसके बाद परमात्मा जरूर अच्छा रखेगा, और उसके बाद हर शनिवार को शनि के दान जरूर करते रहे, दाता खुश रहे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फेसबुक कॉलर जी प्रतीक। तो प्रतीक की जन्म तिथि है 11 जून 1989, और जन्म का समय है शाम के 7 बजे, और जन्म का स्थान जयपुर राजस्थान। नौकरी में तरक्की कैसे मिलेगी? मेरा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग चल रहा है अच्छा चल रहा है अभी, और ये नौकरी के अंदर वाकई में तुम्हारे पास से मेहनत करके तुम्हें काफी अच्छा आगे बढ़ा सकता है, और ये योग अभी शुरू ही हुआ है। अगले 6 साल तक ये काफी अच्छे फल दे सकता है अगर तुमने अपना स्वभाव नहीं बिगड़ने दिया, अपने घर के बुजुर्गों के साथ में अगर तुमने ईगो क्लैशेस नहीं पैदा किए, यानी कि ईगो नहीं पैदा करी, और घर में क्लेश के अगर तुम कारक नहीं बने तो ये तुम्हें बहुत अच्छी तरक्की देगा, और उपाय बेहद मामूली के साथ ही तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। एक बात और, नंबर 2, अगर इस वक्त में तुम अपना मकान बनाते हो या घर के अंदर रिपेयरिंग करवाते हो तो उसके बाद में पत्नी, घर के बुजुर्ग, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए अगर हो सके तो अभी कम से कम 2.5 साल तक कोई मकान बनाने की गलती मत करना, ठीक है। तीसरा एक और योग है चंद्र केतु का मेल तुम्हारे 9वें घर में। ये जो योग है ये पूरे घर को एक तरह का अभाव में रखता है। इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ होते हुए उन सबके सुखों के लिए ये कमी के योग बनाता है। इसका इलाज भी मैं तुम्हें साथ में जरूर दूंगा, पर सबसे पहले तुम्हारी नौकरी का इलाज। वो क्या है, एक मिट्टी के लोटे के अंदर, हाँ मिट्टी के लोटे के अंदर दूध भर के उसको जाके बेटा खेती की जमीन में दबा दो, पहला उपाय तो ये करो। दूसरा उपाय, 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी कोई भी एक चीज लेकर के वो साथ चलते हुए साधु को दान देगा। इतने में तुम्हारी नौकरी के हालात बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अब 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के मंदिर में दोगे तो तुम्हारा पूरे परिवार के अंदर खुशियों के माहौल आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर तुम सोने में मोती लगवा करके धारण कर लोगे रिंग फिंगर में या फिर छोटे वाली फिंगर में, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और तुम्हें काफी अच्छे सुख मिलेंगे। और ये जो मैंने तवा चिमटा अंगीठी का वाला उपाय दिया है, ये अगर तुम हर साल करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम हालात है, खुश रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फेसबुक कॉलर। हमारे साथ अमर है जो कि नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जी अमर, तो इनका जन्म की तिथि है 12 जनवरी 1993, जन्म का समय सुबह के 10:30 बजे, स्थान है नई दिल्ली। सरकारी नौकरी कब लगेगी? कुंडली के अंदर बहुत अच्छा योग है कि जो सरकारी नौकरी के लिए वाकई में है, लेकिन बेटा एक ही योग है
जो बहुत खराब कर रहा है सूर्य को, और वो है तीसरे घर में बैठे हुए केतुदेव सूर्य के ऊपर जो दृष्टि डाल रहा है बेटा। इसकी वजह से वाकई में कामकाज के मामले में, नौकरी लगने मामले में अड़चने आ सकती है। अगर तुम इसको ठीक करके चलो तो काफी कुछ अच्छा होगा, एक बात है ये। दूसरी बात, ये जो अभी तुम्हारी उम्र चल रही बेटा, इसके अंदर भूल के भी दूध और पानी का दान नहीं करना, समझे, किसी भी तरह का प्याऊ नहीं बाहर सार्वजनिक रूप से लगवाना और ना ही कोई छबील वगैरह बांटना। हाँ, शमशान घाट में या किसी हॉस्पिटल में प्याऊ लगवाना हो तो बेशक आंख बंद करके लगवा लेना, वो बल्कि नौकरी लगने में तुम्हारी और अच्छी मदद करेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कुत्ता अगर तुम्हारे घर में होगा तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है, और कान के अंदर या तो सोना पहनना या हर रोज कान के पीछे केसर लगाना, ये भी तुम्हारे लिए नौकरी लगने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब फाइनल उपाय, 43 दिन लगातार 3 केले ये बेटा मंदिर के अंदर दान दो, और हर 3 महीने में 3 किलो कच्चे कोयले जल पर बांट दो, और एक सोने का सूर्य 2-4 ग्राम का बनवा के लाल धागे में पिरो के ये अपनी कंठी के ऊपर ये धारण कर लो और शमशान घाट में प्याऊ लगा। इतना सौ उपाय करते ही तुम्हारे लिए हर तरह से उत्तम लाभ बनेंगे और तुम्हारी सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल तैयार होते हैं। खुश रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ फेसबुक कॉलर जुड़ी हुई है, ट्विंकल हरियाणा से जुड़ी हुई है हमारे साथ। जी ट्विंकल, जन्म की तिथि 9 जुलाई 1997, जन्म का समय है रात को 9:25 और जन्म का स्थान है हरियाणा, भविष्य कैसा रहेगा? अगर तो बेटा तुम्हारे घर में सरकारी नौकरी के ऊपर पहले से ही कोई लोग रहे हैं तुम्हारे खून के रिश्तेदार, तो तुम्हारी कुंडली बहुत बढ़िया जाएगी, और अगर तुम स्वयं भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करती हो तो उसके अंदर कुंडली तुम्हें बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। उसका कारण यह है कि एक तरफ सूर्य 5वें घर के अंदर बैठे हुए और शनि बहुत ही अच्छे हालात के अंदर बैठे हुए बेटा, धन भाव के अंदर, ये इससे अच्छा योग और नहीं होता धनी बनने के लिए और सरकारी काम करने के लिए। और अगर किसी भी तरह के इंजीनियरिंग क्षेत्र में या किसी भी तरह के टेक्निकल काम के अंदर तुम उतरती हो या फिर फाइनेंस के अंदर उतरती हो तो ये सारे क्षेत्र तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब है, अष्टम भाव का ये मंगल और केतु लग्न के अंदर, ये हर काम को करने की डेडिकेशन तो देता है कि इंसान जो सोच ले ठान ले करके बाज आता है, लेकिन इसके साथ में एक मुसीबत भी देता है कि इंसान को अंदर ही अंदर ज्यादा गुस्से वाला बनाना, उसके गुस्से के कारण घर के अंदर के हालात खराब करना, और अपनी जिंदगी के अंदर जब मंगल कार्य यानी कि शादी के समय आता है उस वक्त में ये बहुत बड़ी मुसीबत दे देता है, और वहीं पर आकर के ये शादीशुदा जिंदगी को किसी न किसी रूप में खराब करने का काम भी करता है। अगर तुम्हें जुकाम हर वक्त रहता है तो ये और खराबी के हालात बना देगा। तो इसीलिए जो खराब योग है बेटा, इसका मैं तुम्हें इलाज दे रहा हूं, ये तुम कर लो, और अगर तुम पूरी डेडिकेशन के साथ करके अपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर इनमें से चुनकर उसके अंदर उतरती हो तो तुम्हें जिंदगी के अंदर बेनतहा अच्छी कामयाबी मिलेगी। उपाय है, 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिला करके अपने रिंग फिंगर के अंदर धारण करो, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो, ये कम से कम 43 हफ्ते तुम्हें करना है। चांदी अपने तन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा धारण करके रखो, और हर महीने पहले शनिवार को काला सफेद कंबल तुमने दान देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान और माथे पर लगा के चलो, और खास बात, कभी जिंदगी में भूल के भी सरसों का तेल अपने सर पर कभी नहीं लगाना, इसके विपरीत दूध दही या देसी घी का तिलक अगर तुम लगाती हो तो बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। तो इन उपायों को करो ताकि जीवन अच्छा रहे। गुरुदेव, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, पर जाने से पहले आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को देते जाइए। बेशक बेटा, गुरु मंत्र आज बात बच्चों के ऐबों की हुई है, और खाम खाई के अच्छे हालात होते हुए भी खाम खाई के बुरे हालात जिंदगी के अंदर जो कूद जाते हैं और जिंदगी को तबाह कर देते हैं, इसके इन सब में आपने देखा होगा कि इसके अंदर कारक शनि ही होते हैं, और शनि जब बिगड़ जाते हैं और वो माहौल के वश में आकर के बिगड़ते हैं, हमेशा आसपास का माहौल जब खराबी के ऊपर होता है, यही रीजन है कि पहले बच्चों को माँ बाप स्वयं मंदिर में लेकर के जाया करते थे और वहां जाके पूजा में, आरती में, मंदिर की सफाई में, मंदिर के कार्यों के अंदर कुछ न कुछ बच्चे को लगा के रखते थे, और जिस इंसान को भी अपने आसपास गुरु पंडित जी या पूजा आरती नजर आती है वो बुरेपन की तरफ में ज्यादा झुकता ही नहीं। आज की डेट में बच्चों का लगातार बिगड़ना
और इतनी ज्यादा मात्रा में बिगड़ना और इस कदर इस हद तक बिगड़ना कि जो कि चीजें पहले कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती थी किसी परिवार के अंदर, उस हद तक तो बच्चे आम बिगड़ चुके हैं। उसके पीछे कारण एक ही है कि परिवार जैसे जैसे परमात्मा से दूर हो गए और परिवार ने जैसे जैसे बच्चों को परमात्मा से दूर कर दिया, उसने ये बुरापन अपने आप ही दे दिया। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आप मंदिर तो जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं? आप जाते हैं सुबह के वक्त में, गए जैसे प्रणाम किया, आपने एक धूप जलाई, परमात्मा पे एहसान करके जैसे भाग गए। ये मंदिर जाना नहीं होता बेटा। मंदिर जाना वाकई में भले वो हफ्ते में एक बार या दो बार ही क्यों ना हो, ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप घर से कुछ ना कुछ प्रसाद धूप लेकर के जाए, वहां जाकर के चढ़ाए, धूप धूप करे और आरती के समय जाए। और वो आरती के समय की जो सफाई है, जो फल फूल रखने हैं, जो परमात्मा को अर्पण करने हैं, उन सब में आपका कुछ ना कुछ सहयोग होना चाहिए और उसके बीच में आपका बच्चा आपके साथ होना चाहिए। जो भी इंसान इस कर्म को करता हुआ चलेगा और अपने बच्चे को लगातार ये आदत डाल के चलेगा, उस बच्चे का शनि कभी खराब नहीं हो सकता, समझे? उसके बावजूद भी अगर कहीं थोड़ी देर के लिए खराब हो भी गया तो छोटी सी एडवाइस से ही बच्चे की वापसी हो जाती है। लेकिन जो बच्चों ने मंदिर का रास्ता ही छोड़ चुके हैं, वो कभी उस तरह के कर्मों में उतरे ही नहीं, कर्म कांड में नहीं गए, आरतियों में नहीं गए, बेटा उनके बिगड़ने के चांस बहुत रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चा इस तरह का बिगड़ चुका है और खराब हालात हो ही चुके हैं, तो एक उपाय उसी बच्चे से करवाइए, जैसे मर्जी लग के करवाइए। और वो क्या करना है, सुबह सवेरे तारों की छांव में सुबह 3:30-4 बजे 43 दिन लगातार कीकर के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाओ। और ये शनि का ही सबसे उत्तम उपाय है। कीकर के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाने से शनि अपने बुरे रूप को त्याग देंगे और बच्चे को सद्बुद्धि देंगे। अगर बच्चे के अंदर गुस्सा है, अकड़पन है, नहीं सुनता और खाम खाई के बुरे व्यसनों की तरफ या बुरे हालात की तरफ भागता जा रहा है, बेटा इन सबसे बहुत जल्दी छुटकारा आप सबको मिल सकता है। खुश रहिए। गुरुदेव, हमेशा की तरह हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए गुरु मंत्र। नमस्कार।